और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हमारे संवाददाता मनीष देसाई से। मनीष, धुलेरा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ी क्या लेटेस्ट डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उनसे इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट 2014 में प्रपोज किया गया था और उससे उसको केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे चल रहा था और आज उनको पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने का मतलब ये है कि अब इनके लिए रास्ता साफ होता जा रहा है। 2016 के जनवरी में माना जा रहा है कि एविएशन मिनिस्ट्री है उनसे ये मंत्रालय ये एयरपोर्ट के लिए मंजूरी मिल जाएगी और एविएशन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ये रास्ता और साफ होगा, मतलब काम शुरू हो जाएगा। साथ में आपको बता दूं कि नवागाम एयरपोर्ट बनेगा, अहमदाबाद जिले का जो नवागाम एरिया है जो धोलेरा एसआईआर के पास में है वहां पर ये एयरपोर्ट बनेगा। 1712 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है, 1426 हेक्टेयर में ये पूरा एयरपोर्ट बनना है और उसके पहले फेज में जो इन्वेस्टमेंट की जानी है वो 716 करोड़ की है। मतलब कुल मिलाकर जो खर्चा होगा उसके लिए गुजरात सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ टाई अप किया है और उसके लिए गुजरात सरकार ने एक कंपनी की भी स्थापना की है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी। ये कंपनी और एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो दोनों मिलके इस नए एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। इसका सीधा फायदा मिलेगा धोलेरा एसआईआर को और उसके आसपास के इलाकों को। स्वाभाविक है कि गुजरात में पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा बनेगा तो पूरे गुजरात को इसका फायदा तो मिलेगा ही। बिल्कुल, और अगले साल जनवरी से निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए मनीष।